हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बिल्डिंग एक्सेलेंस। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में बाइंडिंग वायर के बारे में। तो बाइंडिंग वायर हम रेनफोर्समेंट बाइंड करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाइंडिंग वायर जो है मोस्टली कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट बाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बाइंडिंग वायर का जो वर्क रहता है वो रेनफोर्समेंट को बाइंड करके रखना, उसके जगह पे कांस्टेंट रखना और उसके जो रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग कांस्टेंट रखना, ये बाइंडिंग वायर का वर्क रहता है। विदाउट बाइंडिंग वायर हम रेनफोर्समेंट प्लेस नहीं कर सकते स्लैब में या कॉलम में। और जहाँ पर विदाउट बाइंडिंग वायर का वर्क होता है उस सेक्शन में उस पर्टिकुलरली बीम या स्लैब में स्ट्रेंथ लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और वहाँ पर स्लैब या बीम फेल्यूर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बाइंडिंग वायर जो है वो अलग अलग साइज़ और अलग अलग गेज में अवेलेबल रहती है, और वो हम जो रिक्वायर्ड हमें कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग वायर चाहिए उसके हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। बाइंडिंग वायर का जो बेसिकली डायमीटर रहता है, उसका साइज़ रहता है, वो है 0.6 mm टू 1 mm, 1.2 mm, ऐसा ही इसका बेसिक डायमीटर रहता है। बाइंडिंग वायर का जो पर्पस है वो आपको मैं बताता है। फर्स्ट नंबर का इसका जो पर्पस है वो है जो कॉलम का और स्लैब का जो बार रहता है उसका स्पेसिंग मेंटेन करके रखना बाइंडिंग वायर का काम रहता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है जो कॉलम में, बीम में और स्लैब में लैप लेंथ रहती है उसको बाइंड करके रखना, और उसका जो लोड है वो रिस्पेक्टिव बार पे ट्रांसफ़र करना। तीसरा इसका जो पर्पस है वो है डिस्प्लेसमेंट जो बार का रहेगा ड्यूरिंग कंक्रीट वो अवॉइड करना। फोर्थ नंबर का इसका जो पॉइंट है चेयर स्पेसर और बार, ये जो स्लैब में, कॉलम में या बीम में रहते हैं तो इनको सिक्योर करके रखना और उनके पोजीशन पे होल्ड करके रखना, ये बाइंडिंग वायर का वर्क रहता है। ये तो इतना था इस वीडियो में बाइंडिंग वायर के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।